नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर होल्डर्स के राइट्स के बारे में। किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो तो कुछ अधिकार आपको उस कंपनी में मिल जाते हैं। सामान्यतः बहुत ही कम इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कंपनी की ओर से शेयर ओन करने पर जो अधिकार मिलते हैं उनका ज्ञान होता है। कंपनी के शेयर खरीदने पर ऑटोमेटिकली आपको कुछ अधिकार मिल जाते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 में भी डिफाइंड किए गए हैं। तो जानते हैं इनके बारे में कि क्या राइट्स अपने को मिलते हैं। नंबर वन है प्रॉफिट में हिस्सेदारी। कंपनी के शेयर होल्डर्स होने पर आपको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाती है, जो कि आपके खरीदे गए शेयर्स के परसेंटेज प्रोपोर्शन में होता है। अर्थात अगर आपने कंपनी के टोटल शेयर्स का 2% शेयर खरीद रखे हैं तो कंपनी के प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में से 2% आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। दूसरा है डिविडेंड का अधिकार। कंपनी के द्वारा जनरेट किए गए प्रॉफिट में हिस्सेदारी के अलावा आपको शेयर होल्डर्स को पे किया जाने वाला डिविडेंड को पाने का अधिकार भी मिलता है। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो आप उसके प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हो। तीसरा है न्यू शेयर्स बाय करने का अधिकार। अगर कंपनी नया इशू लेकर आती है तो कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स को उस इश्यू से शेयर खरीदने का अधिकार पहले होता है बजाय न्यू इन्वेस्टर के। चौथा है वोटिंग का अधिकार। सभी कंपनियां हर साल अपनी वार्षिक मीटिंग बुलाती है। किसी भी कंपनी की वार्षिक बैठक में 5 महीने का अंतराल हो सकता है। वोटिंग का अधिकार। सभी कंपनियां हर साल अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन करती है। किसी भी कंपनी की वार्षिक बैठक के बीच में 15 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। अर्थात कंपनी को हर 15 महीने में अपनी वार्षिक मीटिंग बुलानी जरूरी होती है और इन मीटिंग्स में होने वाले प्रस्ताव या फैसलों पर शेयर होल्डर्स को अपना वोट करने का अधिकार होता है, तो आप उसमें वोट कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे है MOA या AOA के चेंज के बारे में। अगर कंपनी ने MOU, MOA अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस या AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में अगर कोई बदलाव करना हो तो शेयर होल्डर्स इसमें अपना वोट कर सकते हैं। छठा है शेयर ट्रांसफर का अधिकार। किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को यह अधिकार होता है कि वे स्वतंत्र रूप से किसी भी शेयर ट्रांसफर को किसी भी अदर पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कंपनी किसी भी प्रकार की कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकती। सातवां है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का अधिकार। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को यह लगता है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उनके राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं तो NCLT में इसकी कंप्लेंट वो फाइल कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 100 शेयर होल्डर्स या टोटल शेयर होल्डर्स से मिनिमम 10% शेयर होल्डर्स, मीन्स या तो 100 शेयर होल्डर्स मिलकर कंप्लेंट कर सकते हैं या कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स में से 10% शेयर होल्डर मिलकर NCLT में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के खिलाफ। तो ये थे शेयर होल्डर्स को मिलने वाले कुछ राइट्स। अगर आप भी किसी कंपनी के शेयर्स होल्डर है तो आपको भी इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।